देखिए रोहित सिन्हा ने बारबाडोस में झंडा हिंदुस्तान का गाड़ दिया। जी हाँ, तिरंगा फहराया है वहां पर शान के साथ, और ऐसे में भारत 17 साल बाद विश्व विजेता बना है। ब्रिजटाउन विजय मुकुट हासिल हुआ है संघर्षों से गुजरकर, और आज जश्न का दिन। आपको बता दें कि रोहित सिन्हा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी बारबाडोस में, उसके बाद बारबाडोस की धरती पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया, तिरंगा लहराया, 17 साल बाद भारत T20 विश्व कप में विश्व विजेता बना है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक चले इस रोमांच की प्रकाष्ठा वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसका सपना 140 करोड़ भारतीयों ने देखा था। भारतीय टीम 2007 में MS धोनी की कप्तानी में चैंपियन बनी थी, और उसके बाद से न जाने किसकी नजर लग गई थी, लेकिन इस बार 2023 में टूटे दिलों को फिर जोड़ दिया गया, वो करिश्मा कर दिया गया जिसकी जरूरत थी। जैसे ही भारत विश्व विजेता बना, यहाँ भारत में आकाश में किस तरीके से जमकर आतिशबाजियां की गई, और इतना ही नहीं सड़कों पर लोग उतर आए, वंदे मातरम का शोर करते हुए युवाओं की फौज दिख रही थी, लोग घरों की छतों पर भी पटाखे फोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे, और वो तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आपको दिखा भी रहा है। देखिए कल की बहुत सारे ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी जहां पर जीत का जश्न नजर आया। टीम इंडिया ने जैसे ही मैच अपने नाम किया, एकदम अलग शोर था, जहां पर भी आपने देखा हो चारों तरफ शोर, और उसके बाद में आतिशबाजियां शुरू हो गई। कुछ लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते तक नजर आए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर लोगों का जमावड़ा था, और सब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे टीम इंडिया की इस जीत को, क्योंकि 17 सालों का ये सूखा जो खत्म हुआ, 17 सालों के सूखे खत्म होने के बाद लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। और देखिए जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कल आप हर एक एक प्लेयर का अगर चेहरा देखते, हर कोई इमोशनल नजर आया, क्योंकि 17 सालों बाद जो इंतजार खत्म हुआ बारबाडोस में, आंख में आंसू, हाथ में झंडा लहरा दिया तिरंगा। इसीलिए आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी ये टॉप बैंड जरूर देख रहे हैं, क्योंकि कल बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा देखिए। आप एक एक प्लेयर को देखिए, किसी के हाथ में तिरंगा, कोई आसमान की ओर देखता हुआ, कोई जमीन को चूमता हुआ, और इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी कल खूबसूरत तस्वीरें थी। कल ऐसे इतने सारे इमोशनल मूवमेंट, हार्दिक पांड्या को आपने देखा, आंखों में आंसू, गले लग रहे हैं सभी टीम प्लेयर्स, और ये जो ट्रॉफी जब हाथ में उठाई, सोचिए ट्रॉफी ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, और वो ट्रॉफी जो थी जैसा भी जिक्र भी हुआ, उस एक कैच से ट्रॉफी को लपक लिया, तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। और कल के मैच के बाद अभी आप लगातार मैच से जुड़ी तमाम खबरें भी देख रहे थे, और इस बीच इस विजय को जो हासिल किया टीम इंडिया ने, हर कोई सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आया, और मुझे लगता है कि युगो युगो तक जो जब तक क्रिकेट प्रेमी रहेंगे इस जीत को याद किया जाएगा, तो चेहरे पर हर बार मुस्कान आएगी। तो ये देखिए तस्वीरें भी, क्योंकि आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, भारत ने अपने देश से हजारों मील दूर चौथी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव कल एक बार फिर हासिल किया। एक तरफ भारतीय टीम तिरंगे के साथ जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ BCCI सचिव जय शाह भारतीय टीम से मिलने के लिए उतावले होकर मैदान पर दौड़ते हुए नजर आए। रोहित शर्मा अपने जो फैंस से उनको नतमस्तक करके आंसुओं को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंसू रोक पाने में नाकामयाब नजर आए, और धर 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 आंसू उनकी आंखों से बहते हुए भी नजर आए।